लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सुना होगा इसके बारे में आपने, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर एक लाइन बड़ी फेमस है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। ये तो आपने भी सुनी होगी कहीं ना कहीं, इसीलिए तो कहा जाता है आप जब भी किसी से मिलते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी देखकर ही आपको जज करता है और आपके बारे में थॉट्स बनाता है कि आप कैसे होंगे, कैसे हैं आप। वहीं देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि महज 5 मिनट में लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबी मुलाकातों या जान पहचान होने के बावजूद लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाते। ध्यान रहे, यहाँ बात लुक्स की नहीं बल्कि एटीट्यूड की हो रही है, इसलिए अगर आप में भी एटीट्यूड हो तो यकीन मानिए आपकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे। और हाँ, अब हम आपको अपने इस वीडियो में जिन 7 एटीट्यूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आप में उनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो लोगों को अट्रैक्ट करने में आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो ही जाएगी। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इन एटीट्यूड्स को खुद पर अप्लाई करें और कमाल देखिए कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पहला एटीट्यूड है, डोंट बी प्रेजेंट ऑल टाइम। इसका मतलब यह है कि हर समय लोगों के लिए हर वक्त हाजिर मत होइए। जी हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा और वो जब कहें जहाँ कहें हमें उनकी मदद करनी होगी, जो कि बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हम जिनके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वक्त देते हैं, उनकी नज़रों में हमारी कीमत उतनी ही कम हो जाती है। वहीं आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कभी किसी के साथ डेट पर जाना हो और अचानक आपको एक इम्पॉर्टेंट काम आ जाए तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डेट कैंसिल करने पर सामने वाले को बुरा फील होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको डेफिनेटली अपने डेट को कैंसिल करके अपने इम्पॉर्टेंट काम को तवज्जो देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को थोड़ी देर के लिए बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाले के दिमाग में सबकॉन्शियसली आपके लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में दूसरे कामों का कितना इंपॉर्टेंस है, आप कोई फ्री इंसान या गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है। दूसरा ये भी मैसेज जाता है कि आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एटीट्यूड है कि डोंट प्रूव योर सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने आपने रख दिया या फिर अपनी बात कह दी तो उसे बार बार ज़बरदस्ती लोगों के सामने खुद को सही करने की कोशिश ना करें, बल्कि पहली बार में अपनी बात को इतने पॉजिटिव माइंडसेट और फैक्ट के साथ प्रेजेंट करें कि उसके बाद लोगों को आप पर सवाल करने का मौका ही ना मिले। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हो तो अगर वो आपकी बात से एग्री नहीं करता है, वैसे में आप अपनी बातों को गोल गोल घुमाकर भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, वगैरह वगैरह वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप बार बार अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो बीच में नेगेटिव सिंबल प्रेजेंट होगा और आपका बार बार अपने आप को सही साबित करना ये साबित कर देगा कि आप शायद गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें, खुद को बार बार सही साबित करने में आप पहले ही गलत साबित हो जाते हैं, तो डोंट प्रूव योरसेल्फ। तीसरा एटीट्यूड है, मेक योरसेल्फ अ यूनिक पर्सन। मतलब ये कि आप अपने आप को यूनिक बनाइए। अक्सर जब हम लोगों से अटेंशन लेना चाहते हैं, लोगों से इज्जत लेना चाहते हैं, तो हम वो सब काम करने लगते हैं जो कि रेस्पेक्टफुल लोग करते हैं, उनकी तरह बोलने चलने और उनके जैसा ही काम करने लग जाते हैं। और यही हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोगों की नकल करने लगते हैं, उन्हें कॉपी करने लगते हैं। ऐसे में हम अपने अंदर के टैलेंट को भी दबा लेते हैं, इसलिए दूसरों को कॉपी करने से ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। आप अपने यूनिक पर्सनालिटी के साथ दुनिया के सामने आने की कोशिश करिए। अब आप ही देखिए, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, इन सभी लोगों ने किसी को कॉपी नहीं किया है, बल्कि अपनी अपनी जगह में अपनी पहचान बनाई है। तो आज से ही कॉपी करना बंद कीजिए और अपने टैलेंट पर मेहनत कीजिए। चौथा एटीट्यूड है, क्वाइट कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए जहाँ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, तो वहीं आपको अपने कॉन्फिडेंस पर थोड़ा ध्यान भी देना होगा, क्योंकि हर तरह का कॉन्फिडेंस हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई अपने सक्सेस के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हो तो आपको भी उसकी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे में बोलने से ज़्यादा अगर आप अपने सक्सेस को दिखा पाएँ तो दिखाने की कोशिश करें, ना कि बताने की या फिर जताने की। दिखाने का मतलब यहाँ बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं है। इसके लिए रतन टाटा बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कुछ शो ऑफ नहीं करते, बल्कि वो करके दिखाते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। पांचवा एटीट्यूड है, बिकम ट्रस्टवर्दी या कीप योर प्रॉमिस।
एक बार अगर आपने खुद से या फिर किसी और से वादा किया तो उसे ज़रूर निभाएं, क्योंकि जैसे आप किसी से वादा करते हैं और उस वादे को पूरा करते हैं तो उस पर्सन के लिए आप सबसे ख़ास और उसकी नज़रों में आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। और आप जानते होंगे कि ट्रस्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपको किसी पर ट्रस्ट है तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार आप उस इंसान को कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहेंगे और हमेशा उसके लिए रेस्पेक्ट और टाइम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर केवल एक ट्रस्ट है जो कि मोबाइल की दुनिया में एप्पल को नंबर वन रखता है। उस एप्पल के ब्रांड पर जो ट्रस्ट है उसके चक्कर में लोग उससे बेहतर फैसिलिटी देने वाले फ़ोन नहीं खरीदते, एप्पल का ही फ़ोन खरीदते हैं, उससे महंगी प्राइस पर खरीदते हैं। ये भी एक रियलिटी। छठा एटीट्यूड है रीवर्क एटीट्यूड। इसे आपको अपनी पर्सनालिटी में ज़रूर ऐड करना चाहिए। देखिए, किसी भी काम में गिवअप करने का एक ही सबसे बड़ा रीज़न होता है और वो ये होता है फेलियर। और फेलियर जितना बड़ा होता है हार मान लेने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फेल होने के बाद जो नेगेटिव एनर्जी आप में आती है वो आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को कभी ना करो। लेकिन रॉजर फ्रिड्स कहते हैं कि जब आप फेलियर को मिस्टेक से रिप्लेस करते हो तो आप गिव अप नहीं करते। तो अगर कुछ फेलियर हो जाए तो आप बोले मेरे से गलती हो गई, गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए, गलती थी, वो कहानी खत्म नहीं हुई। गलती करेक्ट करने से फेलियर रिवर्स हो जाएगा। ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखिए। इसलिए खुद के अंदर रीवर्क एटीट्यूड जरूर डेवलप करें। फेलियर नहीं है वो गलती है, गलती से हो गया, जाने दीजिए, फिर से काम कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सातवां एटीट्यूड है बी पॉजिटिव बी हैप्पी। मतलब हमेशा खुद को पॉजिटिव और हैप्पी बनाकर रखें। अब अगर आपके सामने ही हमेशा कोई अपनी रोनी सूरत बनाकर आए या फिर आपसे हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो आपको कैसा लगेगा। वैसे तो आज के इस डिप्रेस्ड लाइफ में हर कोई किसी न किसी चीज़ से दुखी है, तो उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे शख्स की जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके, उन्हें कुछ पल की खुशी दिला सके। आप खुद ही बताइए, अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक हंसी खुशी और पॉजिटिव माइंडसेट वाला दोस्त चाहिए या फिर दूसरा उदास और डिप्रेस्ड दोस्त चाहिए, आप किसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन को ही चुनेंगे ना, खुशमिजाज दोस्त को ही चुनेंगे, क्योंकि दुखी तो आज हर इंसान है। अगर किसी के पास अपनी एक सैड स्टोरी है तो वो आपकी इमोशनल और सैड स्टोरी क्यों सुनना चाहेंगे? आपकी सैड लाइफ स्टोरी आपको दूसरों से दो मिनट की सिंपति तो दिला सकती है, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए जगह आपके लिए नहीं बना सकती। तो हमेशा कोशिश करें कि लोगों के सामने आप अपनी लाइफ को हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी ही शेयर करें और दूसरों के सामने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। इन सात एटीट्यूड्स को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। क्या लड़के, क्या लड़की, क्या गुरु, क्या शिष्य, क्या जनता, क्या जनार्दन, क्या घर वाले, क्या बाहर वाले, क्या रिलेटिव, क्या अनजाने, सब के सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए आ जाएंगे। आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपके साथ मीटिंग के अनुभव को हमेशा मीठा ही बताएंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, आपसे इंस्पायर भी होना चाहेंगे। तो जितना हो सके इन सारे एटीट्यूड्स को अपनी लाइफ में, अपने आप के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी में प्रिंट कर लो भाई साहब, प्रिंट कर लो, काम आएगा। आज की दुनिया में बहुत जरूरत है इसकी। शेयर करें हर युवा के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।